नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माधिका पर। दोस्तों, आज के सुपर फास्ट वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट स्टडी जीके का 50 प्लस क्वेश्चन देखेंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक बने रहना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले सवाल से। दोस्तों पहला सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई थी। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वारन हेस्टिंग्स से संबंधित है। विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी? विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा 1829 में समाप्त की गई थी। फूट डालो और राज करो की रणनीति किसने अपनाई? फूट डालो और राज करो की रणनीति लॉर्ड कर्जन ने अपनाई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय हुई थी। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? जमींदारों के साथ। अस्थाई बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया। रैयतवाड़ी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? रैयतवाड़ी प्रथा टॉमस मुंड्रो ने प्रारंभ की थी। एसआईटी सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? एसआईटी सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सर विलियम जोन्स थे। और दोस्तों एसआईटी सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में हुआ था। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया? शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग का नियुक्त 1917 में किया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने समाप्त किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समाप्त लॉर्ड रिपन ने किया। और दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किसने किया? तो लॉर्ड लिटन ने किया था। भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का संस्थापक कौन था? भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का संस्थापक जेम्स हिकी था। और दोस्तों द बंगाल गजट समाचार पत्र का प्रकाशन 1780 में किया गया था। गदर पत्र का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ? गदर पत्र का पहला अंक उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ। और दोस्तों यदि पूछ लिया जाए कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ, तो 1 नवंबर 1913 ईस्वी को हुआ। और किसने किया? तो लाला हरदयाल ने। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थापना की गई थी। वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रथम संपादक कौन था? वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रथम संपादक बिपिन चंद्र पाल था। भारत में पुनः जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारत में पुनः जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज उले था। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। शेर ए पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? शेर ए पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय प्रसिद्ध थे। अभिनव भारत का गठन किसने किया था? अभिनव भारत का गठन बीडी सावरकर ने किया था। और दोस्तों अभिनव भारत का गठन 1904 में किया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में की गई थी। और दोस्तों कब किया गया था? तो 1924 में किया गया था। काल कोठरी की त्रासदी नामक घटना कब घटी? काल कोठरी की त्रासदी नामक घटना 20 जून 1756 ईस्वी को घटी थी। भारत के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? भारत के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार है। तुर्की देश के संसद का नाम क्या है? तुर्की देश के संसद का नाम ग्रैंड नेशनल असेंबली है। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनेंट ने की। मुद्राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? मुद्राक्षस पुस्तक के लेखक विशाख दत्त है। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? बिरजू महाराज का संबंध कथक शास्त्रीय नृत्य से है। कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का नृत्य है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या कितनी है? कुल सदस्य संख्या का 1/10 है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भरने की समय सीमा क्या है?
राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भरने की समय सीमा 6 माह है। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के न्यूनतम वायु सीमा क्या है? 25 वर्ष। गिरिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गिरिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? मानसरोवर झील। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 है। तिलचट्टा कौन सा प्राणी समूह में आता है? तिलचट्टा ऑर्थोपोडा समूह में आता है। जर्मन सिल्वर किस धातु का मिश्रण है? जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक निकेल धातु का मिश्रण है। सोना पारा में क्यों डूब जाता है? सोना पारा में डूब जाता है क्योंकि सोना का घनत्व पारा के घनत्व से अधिक होता है। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के गवर्नर कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास है और 225वें क्रम का गवर्नर है। सेल की पहली महिला चेयरमैन कौन है? सेल की पहली महिला चेयरमैन सोमा मंडल है। किस राज्य के सोजत महदी को GI टैग प्राप्त हुआ है? तो राजस्थान राज्य के सोजत महदी को GI टैग प्राप्त हुआ है। इंडोनेशिया देश की मुद्रा क्या है? इंडोनेशिया देश की मुद्रा रुपया है। इजराइल देश की राजधानी कहाँ है? इजराइल देश की राजधानी जेरूसलम है। भारत के किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? अरुणाचल प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।